क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और अशोक गहलोत में मुकाबला? शशि थरूर को पटकनी दे देंगे गांधी परिवार के वफादार अशोक गहलोत। इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का अगला पार्टी अध्यक्ष कौन होगा। इसके लिए पार्टी में गहमागहमी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टी के शीर्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के बीच मुकाबले की स्थिति बनती जा रही है। और अगर ये सही साबित हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अशोक गहलोत शशि थरूर को पटकनी दे पाएंगे। फिलहाल ये तो तय माना जा रहा है कि शशि थरूर अध्यक्ष चुनाव की रेस में हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए कौन होगा ये फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। कांग्रेस की ज्यादातर प्रदेश कमेटियों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। सबसे पहले राजस्थान कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रदेश प्रतिनिधियों के बैठक में राहुल लाओ का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव तो कई राज्यों ने पास कर दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन शशि थरूर को टक्कर देने के लिए अशोक गहलोत का नाम भी चर्चा में है। अशोक गहलोत को गांधी परिवार का सबसे वफादार माना जाता है। ऐसे में गांधी परिवार के वफादारों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पसंदीदा विकल्प हैं। सूत्रों ने कहा है कि G23 समूह एक उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए कमर कस रहा है और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर इसकी शीर्ष पसंद है। इस समूह ने कांग्रेस में व्यापक सुधारों की मांग की थी। ऐसे में गांधी परिवार को ये स्थिति इसलिए भी मनमाफिक दिखाई दे रही है कि एक तरफ गहलोत के हाथ में पार्टी की कमान आ जाने से पार्टी पर दबदबा तो उन्हीं का ही बना रहेगा, तो वहीं राजस्थान में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मचने वाली भगदड़ को रोकने के लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर अपने किले को भी बचाया जा सकता है। ऐसे में चुनावी मैदान में कौन कौन होगा, इस सवाल का जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा।